हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी। तो अंजना विद्यापीठ के इस सेशन में हम आपके लिए फिर लेके आए हैं एक क्वेश्चन जो कि बिलोंग करता है नीट को। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। रेड एंटेराइनम इज क्रॉस्ड विद व्हाइट वन, ऑफस्प्रिंग आर डब्ल्यू आर पिंक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक रेड एंटेराइनम प्लांट है, ठीक है, वो क्रॉस हुआ है वाइट एंटेराइनम प्लांट से, जिसे हम इस प्लांट को हम स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं। तो उन इन दोनों के क्रॉस से रेड और व्हाइट फ्लावर, एक्चुअली यहाँ पे जो रेड और व्हाइट दिया है वो फ्लावर का कलर दिया है। तो एंटेराइनम प्लांट में दो, हम बोल सकते हैं कि दो वेरिएशन, दो वेराइटीज हैं। एक के जो जो फूल हैं वो येलो हैं और दूसरे के वाइट हैं। और इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो उनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न हुआ उसका जो फ्लावर का जो कलर था वो पिंक निकला। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये एग्जाम्पल किसका है, वह कौन सा फिनोमिनोम है जो इस एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस मिले हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है आपका डोमिनेंट रिसेसिव, सेकंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट, थर्ड हाइब्रिड और फोर्थ वन इज सप्लीमेंट्री जीन। तो पहले इस फिनोमिनोम को देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। एक्चुअली यहाँ पर ये जो हमारा जीनोटाइप है एक फ्लावर का, वो कैपिटल आर है, और जो वाइट फ्लावर है उसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये सेम गैमिट्स बनेंगे, ठीक है। और इनके जब ये गैमिट्स का आपस में फ्यूजन होगा तो यहाँ पर ये जो गैमिट जो ऑफस्प्रिंग आया उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन जो एक पेरेंट है वो रेड कलर का फ्लावर शो करता है और दूसरा पेरेंट जो है यहाँ पर वाइट कलर का फ्लावर शो करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखें। और जो ऑफस्प्रिंग है, जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है वो किस किस कलर का फ्लावर कलर शो कर रहा है, वह कर रहा है पिंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, रेड और व्हाइट के बीच का कलर हमें देखने को मिल रहा है, ये हम कहें मिक्सिंग देखने को यहाँ पर हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो फिनोमिनोम है ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, अब हम उस पर आते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पर ये देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि जो डोमिनेंस है, जो डोमिनेंट जीन है वो कम्प्लीटली, ठीक है, डोमिनेंट जीन मतलब हम एक किसी को भी एक इन दोनों में से किसी को भी डोमिनेंट मान लेते हैं। मान लीजिए कैपिटल आर जीन जो है वो डोमिनेंट जीन है और ये जो कैपिटल डब्ल्यू जीन है वो डब्ल्यू जीन जो है वो रिसेसिव जीन है। तो ये जो कैपिटल आर जीन है ये पूरे तरीके से कंप्लीटली इसके एक्सप्रेशन को क्या नहीं कर पा रहा है, हाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेस होगा, ये भी एक्सप्रेस होगा, लेकिन अब जो हमें फीनोटाइप देखने को मिलेगा वो तो कुछ सी एक प्रकार का देखने को मिलेगा ना यहाँ पर। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वह प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के दौरान जो डोमिनेंट जीन है वो कम्प्लीटली हाइड नहीं कर पाता एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव जीन। तो जो हमें फीनोटाइप देखने को मिलता है ऑफस्प्रिंग में वह इन दोनों के बीच का देखने को मिलता है, ठीक है। एक हम तरीके से बोल सकते हैं मिक्सिंग देखने को मिलती है। तो जब हम रेड और व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं तो हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। तो यही यहाँ पर भी यही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे हमें ना तो रेड कलर देखने को मिला है ना ही व्हाइट कलर देखने को मिला है, ठीक है।
और हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं। बट यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया है किसके रिगार्ड में पूछा गया है, कलर, फ्लावर का कलर पिंक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सप्लीमेंट्री जीन। तो सप्लीमेंट्री जीन क्या होते हैं कि बच्चों, जब कोई भी नॉन एलेलिक जीन, यानी कि नॉन एलेलिक जीन कौन से होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर वह जीन पेयर बनाते हैं जो कि नॉन एलेलिक जीन है, उन्हें हम सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिकॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दौरान क्या होता है, डोमिनेंट जीन पूरी तरीके से मास्क नहीं कर पाता या हाइड नहीं कर पाता इन रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आपके ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस तरीके के और क्वेश्चंस को समझने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अंत में बस इतना ही कहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए रोजाना नई वीडियो लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।